बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अयाज अली और आप देख रहे हैं आरएनएन न्यूज़। हुकूमत जो कानून बना रही है वो खुद इमरान खान एंड कंपनी के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हैं। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि हुकूमत जो कानून बना रही है वो खुद इमरान खान एंड कंपनी के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हैं। ट्विटर पर एक बयान में मरियम नवाज का कहना था कि कहने को तो ये कानून मीडिया और अपोजिशन की आवाज़ बुलंद करने के लिए हैं, ताहम ये कानून इमरान एंड कंपनी के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हैं। मुंतखब नुमाइंदे और सरकारी मुलाजमीन आवाम को जवाबदेह हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीका कानून और इलेक्शन एक्ट में तरमीम को अफसोसनाक करार दे दिया। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि तमाम सरकारी और रियासती हुकाम को याद दिलाया जाता है कि वो शहरियों को जवाबदेह हैं। मुंतखब नुमाइंदे और सरकारी मुलाजमीन आवाम को जवाबदेह हैं और तनकीद बर्दाश्त करना उनको नौकरी का हिस्सा है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने पीका एक्ट आर्डिनेंस की मुखालफत की और अपने बयान में सदर PFUG शहजादा जुल्फकार और सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी का कहना था कि पहले से मौजूद कानून में रिफॉर्म के बजाय हुकूक को ख़त्म किया जा रहा है। मीडिया कम्युनिटी और सिविल सोसाइटी पीका 2016 की काली शिकें ख़त्म करने का मुतालबा करती हैं। शहजादा जुल्फकार और नासिर जैदी ने तमाम सहाफ़ियों, सिविल सोसाइटी और सियासतदानों से इसके खिलाफ एहतजाज करने का मुतालबा भी किया। जौहराबाद SHO थाना सदर जौहराबाद मलक आमिर शहजादावान तैनाती के पहले दिन एंट्री। DPO खुशाब की हिदायत पर SHO सदर जौहराबाद मलक आमिर शहजादावान ने अपनी टीम के हमराह कामयाब कार्रवाई करते हुए मुजरिम नवीद हुसैन और आसिफ मसीह से भारी मकदार में शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। साफी मोहसिन बेग के खिलाफ इस्लामाबाद में पुलिस ने एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की पुलिस ने सीनियर साफी मोहसिन बेग के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। वफाकी पुलिस ने मोहसिन बेग के खिलाफ थाना मारगला में नाजायज असला रखने का मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी के बाद ड्यूटी मैजिस्ट्रेट शोएब अख्तर के अदालत में पेश किया। मोहसिन बेग पर बगैर लाइसेंस पिस्तौल रखने का मुकदमा गुज़श्ता रोज दर्ज किया गया था। पुलिस ने अदालत को बताया कि मोहसिन बेग के खिलाफ नाजायज असला का मुकदमा दर्ज किया गया है। अदालत ने मुल्ज़िम को बगैर लाइसेंस असला रखने के मुकदमे में जुडिशल रिमांड जेल भिजवाने का हुक्म सुना दिया। ख्याल रहे कि मोहसिन बेग पहले ही दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार और जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में हैं। मोहसिन बेग को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर कल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। डाकुओं ने नौजवान से गन पॉइंट पर मोटरसाइकिल छीन लिया। हमारे क्राइम रिपोर्टर जवाद खान के मुताबिक साहिन वाला बाईपास पर डकैती की वारदात। फाजलपुर, तीन मुसल्ला मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने सुबह 7:30 बजे मुजम्मिल दरीशक नामी नौजवान से गन पॉइंट पर मोटरसाइकिल छीन लिया। झूठे मुकदमे में बरी होने वाला नैब की अदालत में जा सकता है वजीर कानून। वफाकी वजीर कानून सेनेटर फरोग नसीम ने कहा कि झूठे मुकदमे में बरी होने वाला शख्स कौमी एहसाब ब्यूरो नैब के खिलाफ अदालत में जा सकता है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफी ने वजीर कानून से सवाल किया कि नैब या FIA किसी पर इल्ज़ाम लगाकर गिरफ्तार कर लें और वो साबित ना कर सके तो क्या उन पर मुकदमा हो सकता है। इस पर फरोग नसीम ने जवाब में कहा कि बरी होने वाला शख्स नैब के खिलाफ जा सकता है, अगर झूठा मुकदमा किया गया और वो साबित नहीं होता तो भी अदालत उसकी बड़ी ठीक ठाक सजा दे सकती है और हरजाना भी दे सकती है। रोजनामा मेरा मुल्क, कराची, लाहौर, सरगोधा, इस्लामाबाद से बयक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार। पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तियाब। आप आज ही पढ़ें रोजनामा मेरा मुल्क। इलेक्शन किसी भी वक्त हो सकते हैं, ये इलेक्शन का साल है, ख्वाजा आसिफ का दावा। साबिक वजीर ख्वाजा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इलेक्शन किसी भी वक्त हो सकते हैं, ये इलेक्शन का साल है। सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आज इमरान का इक्तदार डोल रहा है, इमरान खान के अरकान राबता कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन किसी भी वक्त हो सकते हैं, ये इलेक्शन का साल है। उनका कहना था कि अपने सियासी सफर में कायद नहीं बदला, इमरान खान खुद किसी के वफादार नहीं, जिन्हें गालियां देते थे वो लोग उनके साथ खड़े हैं। ख्वाजा आसिफ ने वजीर आजम से मुतल्लिक कहा कि पेट्रोल 62 रुपए था, अब 162 का है, तुमने जलसा भी मंडी बहाउद्दीन में किया ताकि किसी को पता ना चले कि कोई जलसा करके गया है। सरकारी मुलाजमीन की तादाद 1 करोड़ नहीं, मौलाना फजल रहमान। पिशावर सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान का कहना है कि सरकारी मुलाजमीन की तादाद 1 करोड़ नहीं, ये कौम को बेवकूफ़ बनाने आए थे।
हंगो में इजलास से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि पाकिस्तान में मईशत तबाह है, महंगाई की वजह से कोई दवा तक नहीं खरीद सकता। जहाँ मईशत तबाह हो वहाँ महंगाई हो तो वहाँ बदअमनी आती है। आज लोग अपने बच्चों को फरोख्त करने पर मजबूर हैं। हुक्मरानों की नाकिस पॉलिसियों और महंगाई की वजह से अमन तबाह हो गया है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि ये कहते थे कि मसीहा आ गया, अब लोग बाहर से आएंगे। सिर्फ स्टेट बैंक का सरबराह और FBR का चेयरमैन ही बाहर से आया है। हुकूमत ने 50 लाख घर देने के बजाय गरीबों के 50 लाख घर गिरा दिए। मुल्की मईशत तबाह हो गई, बेरोजगारी और महंगाई के सबब बदअमनी बढ़ी। कराची किंग ने PSL का एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 2020 का पाकिस्तान सुपर लीग PSL टूर्नामेंट जीतने वाली कराची किंग्स की टीम ने PSL का एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वो इस टूर्नामेंट के एक एडिशन में 9 मैचेस हारने वाली पहली टीम बन गई। कराची किंग ने यह कारनामा इतवार के शाम क्वेटा ग्लेडिएटर्स के हाथों शिकस्त के साथ अंजाम दिया। कराची और लाहौर में होने वाला PSL 7 कराची किंग्स के लिए डरावना ख्वाब साबित हुआ और वो इस टूर्नामेंट में सिर्फ एक मैच ही जीत सके, जबकि 9 मैचेस में इसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। यह PSL की तारीख में किसी भी टीम का सबसे खराब रिकॉर्ड है। इससे कबल ये रिकॉर्ड क्वेटा ग्लेडिएटर्स के पास मौजूद था, जो गुज़िश्ता साल 10 में से 8 मैचेस में नाकाम हुई थी। कराची किंग्स ने इससे कबल एक एडिशन में मुसलसल 8 शिकस्तों का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था। मुसलसल 8 मैचेस में नाकामी के बाद बाबर आजम की क़यादत में खेलने वाली कराची किंग्स ने अपने 9वें मैच में लाहौर कलंदर को शिकस्त दी थी, मगर फिर आखिरी मैच में इसको क्वेटा ग्लेडिएटर्स के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। PSL 7 में कराची किंग्स की मजमूई तौर पर सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं और वो प्ले ऑफ दी दौड़ से बाहर हो चुकी है। कराची किंग्स की टीम पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में मजमूई तौर पर 40 मैचेस हारने वाली वाहिद टीम है। मलकाए बरतानिया का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। बिंगम पैलेस से जारी बयान के मुताबिक एल्सबर्थ को मामूली अलामत नमूदार हुई है, जबकि उनका टेस्ट किया गया तो कोरोना पॉजिटिव आ गया। बयान के मुताबिक 95 साल मलका एल्सबर्थ अप्रैल में वो 96 बरस की हो जाएंगी। हल्की सर्दी जैसी अलामत का सामना है, ताहम तवक्का है कि वो विंड सर्कल कास्कल में रवां हफ्ते फुल के फराइज की अंजामदही जारी रखेंगी। बिंगम पैलेस के बयान में कहा गया कि मलका तबी इमदाद हासिल करती रहेंगी और तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा रहेंगी। वाज़ह रहे कि मलका अपने बड़े बेटे और वारिस प्रिंस ऑफ दी वेल्स के साथ रابطے में थी, जिनका कोरोना टेस्ट गुज़श्ता हफ्ते मुस्बत आया था। बताया जाता है कि विंडसर कैसल में जहां मलका रिहाइश पजीर हैं, बहुत से अफराद का कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आया है। ख्याल रहे कि 6 फरवरी को मलका एल्सबर्थ ने अपनी हुक्मरानी के 70 साल प्लैटिनियम जुबली मनाई थी। वो बरतानिया पर सबसे तवील अरसे के लिए हुक्मरानी करने वाली मलका बन गई हैं। उन्होंने इस मौके पर 3 माह से ज्यादा अरसे बाद अपनी पहली बड़ी अवामी सरगर्मी अंजाम दी थी और सैंडरिंगम हाउस में खैराती कारकुनों से मुलाकात की थी।